गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, अभी सुबह का बजे हैं 10:30। मैं घर पे हूँ, इसका मतलब आज मेरा वीकली ऑफ है। और ये देखिए फ्रेंड, मेरा करेले के पौधे में फूल आ गया, मतलब करेला भी आने वाला है। तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। टमाटर देखिए, ये देखिए स्वीट पम्पकिन का पौधा भी बहुत अच्छे से खिल गया है। पुई शाक भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैंने इधर फर्टिलाइजर बनाने के लिए, जो सब्जी का छिलका होता है ना धूप में सूखने के लिए, इधर डाल दिया है। ये सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करके ना फर्टिलाइजर बनाती हूँ। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है फ्रेंड। अगर आप घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, मार्केट से मत खरीदे फर्टिलाइजर, तो आप ऐसे करके फर्टिलाइजर बना सकते हैं पेड़ पौधे के लिए। ये जो खाना होता है ना, बहुत पुष्टिकर होता है। घर बैठे आप फर्टिलाइजर इस तरह से बना सकते हैं। इसको ड्राई करना है धूप में देकर, ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में या एक स्टोर पे रख सकते हैं। उसके बाद मिट्टी में डाल दीजिए, फर्टिलाइजर अच्छा हो जाएगा। और कल रात में जो राइस का जो पानी निकलता है ना, वो स्टॉक करके रख लिया था, वो भी इसमें छिड़कती हूँ मिट्टी जब सूख जाता है। और ये देखिए, सबसे ज़्यादा तो खुश मैं ये फूल को देखकर हो गई। कितना सुंदर लग रहा है मेरा गार्डन छोटा सा। और ये देखिए, मैंने ऐसे ये करेला का पौधा अच्छे से फैल जाए, इसलिए मैंने इधर ऐसा माचा जैसा बना दिया है। हम लोग बंगाली में माचा बोलते हैं। इस तरह से मैंने बना दिया ताकि इजी हो जाए इसको फैलने में। आलू की सब्जी बना रही हूँ, और ये आलू की सब्जी हम खाएंगे रोटी देकर। तो रोटी का मैंने आटा गूंद के रख दिया है, ये देखिए आटा गूंद के रख दिया है। बाद में इसका रोटी बनाऊंगी, सबसे पहले सब्जी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कौन आ रहा है ट्रॉली लगेज लेकर। ये इधर बन रहा है आलू चौचौरी। बस ये थोड़ा सा कुक हो जाए, उसके बाद मैं दाल चढ़ा दूंगी, लौकी का दाल बनाऊंगी। राइस मेरा बन चुका है, फटाफट मॉर्निंग में काम कर रही हूँ क्योंकि मैं कहीं पे निकलने वाली हूँ। तो कहाँ पर जाने वाली हूँ आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, पता चल जाएगा। सुमित को अचानक से जाना पड़ा था घर, तो वो घर से कुछ काम था वो करके आ गए हैं। अभी वो और मैं दोनों निकलने वाली हूँ कहीं पे, वो आपके लिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी कहाँ जाने वाली हूँ। तो चलिए, सुमित आ गए, थोड़ा सा उसको रेस्ट करने के लिए दे देते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। चिकन ले लिया है, अभी हम जाएंगे मार्केट में वेजिटेबल लेने के लिए। ये देखो सुमित आ गया है अभी। फिर से हम दोनों एक जगह पर हो गए, फिर से जुदा हो गए ना। हस्बैंड का फरमाइश है मेरे हाथ का चिकन कौशा खाना है, क्योंकि उसको मेरे हाथ का चिकन कौशा बहुत पसंद है और मुझे उसके हाथ का चिकन कौशा बहुत पसंद है। मेरे घर में ना, मैं जब भी मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ ना चिकन कौशा, उतना अच्छे से खा नहीं पाती, लेकिन सुमित अगर बनाते हैं ना, मैं बहुत मन से खाती हूँ। लेकिन आज उसका फरमाइश मुझे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत दिन से बोल रहा था। तो फाइनली मैं चिकन लेके आ गई हूँ, और चिकन का रेसिपी आप सबको मैं ऑलरेडी बहुत बार यूट्यूब पर दे चुकी हूँ, मेरे चैनल में है, अगर चाहिए तो आप डिटेल्स में उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं कैसे बनाती हूँ, फटाफट बनाना है फ्रेंड, मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। वैसे अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा मैं चिकन कौशा बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर रही हूँ क्या नहीं। डिटेल्स में कुछ नहीं बताऊँगी, वैसे आप वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ चिकन कौशा बनाने के लिए। बाय द वे, मैं चिकन कौशा बना रही हूँ, लेकिन
मैं बहुत लिमिटेड इसमें स्पाइसेस मसाला यूज़ करूँगी, स्पाइसेस मसाला यूज़ करूँगी। रीज़न है कि उसको थोड़ा हल्का सा ग्रेवीनेस चाहिए और हल्का सा कम मसाला चाहिए, इसलिए। सुमित का कुछ फरमाइश हो और मैं पूरी ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुमित आप मुझसे 2 दिन के बाद मिल रहे हैं क्योंकि उसका घर में कुछ काम था जिसके लिए उसको घर जाना पड़ा था। फिर वो उधर से फ्रेंड के साथ घूमने भी गए थे, तो जैसे कि आपने मेरा नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, कल वाला ब्लॉग में अभी देखा ही होगा। तो फ्रेंड अभी मैं चिकन कौसा बनाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और किस किस को चिकन कौसा पसंद है बंगाली स्टाइल में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मुझे चिकन कौसा उतना तो पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मटन पसंद है, पतला झोल जैसा होता है ना, वो मटन पसंद है। जितना मैं चिकन उतना लाइक नहीं करती हूँ। बस अभी मैं इसमें छौंक लगा दूँगी, जीरा गरम मसाला जो जो डालते हैं मैं वही डाल के इसमें छौंक लगा कर चिकन को भी डाल के इसको भूनूंगी। कुछ ज़्यादा मगजवाड़ी वाला चिकन कौशा बनता नहीं है, मैं लिमिटेड मसाला डालती हूँ, एकदम कम कम मसाले में बस इसको भूनते रहो। बहुत आसान है इस तरह से, अगर बनाओगे तो आप यूँ बना लेंगे चिकन कौसा। तो चलिए मैं चिकन कौसा बनाती हूँ और आप इसी तरह से ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कैसे बना रही हूँ। मेरा चिकन कौसा बनकर तैयार हो चुका है। मैं कोरिएंडर लीफ ऊपर से छिड़क दिया और ये देखिए बनके तैयार हो चुका है। খাবে বাবু না আমি বাটিতে এক পিস নিয়েছি দেখিয়ে সুমিত ভি খানা চাহতা হ্যাঁ বোলা খাওগে বোলা নেই আবি যে লেকে আই লে এক পিস লেকে আও ফির সে নিকালতে হ্যায় সুমিত কো ইয়ে পিস বহুত পসন্দ হ্যায় ক্যা বোলতে আপ লোগ ইসকো মে মেটে বোলতি হুঁ আপ লোগ শায়দ লিভার বোল সকতে হো উসকো বো মে স্টমাক খানা পসন্দ করতি হুঁ সুমিত लीवर खाना पसंद करती है। लोग क्या खतरनाक बनाया है। गाइस बहुत गर्मी है इसलिए हेयर को ऐसे बन बना के रख लिया है। चिकन कौसा मेरा बन गया है, सुमित को टेस्ट करने के लिए दे दिया है। देखो बाय बाय।